A very good morning to all of you guys. Welcome to the session of government schemes. मैं हूं मनीष मिश्रा and in today's session I will bring to you another very important scheme जिसका नाम है study in India. तो आज के session में हम पढ़ेंगे about a very important scheme study in India and guys ये scheme काफी important है if we talk about RBI Grade B exam, NABARD exam. In fact it is very important for the UPSC exam and state PSC exams also. And again, we will do this scheme in that manner जिस तरीके से हम करते आए हैं. पहले हम वो चीजें करेंगे जिसको हम लॉजिकली समझ सकते हैं, जिसको हमें दोबारा से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली. एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट पार्ट दैट वी हैव टू मेमोराइज और वी हैव टू रिमेंबर, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू गाइस सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. सो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया था और वो ये कि यू हैव टू फोकस ऑन द नेम ऑफ द स्कीम बिकॉज द नेम टेल्स एवरीथिंग. द मिनिस्ट्री एंड द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सिंप्लीफाइड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्कीम इटसेल्फ. उसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम गाइस? द नेम ऑफ द स्कीम इज स्टडी इन इंडिया. ओके, सो स्टडी इन इंडिया, अब ये किसके लिए बोला गया होगा? ऑब्वियसली ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ही तो बोला गया होगा बिकॉज जो ऑलरेडी इंडिया में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम चलाने की जरूरत नहीं है. और अगर वो स्कीम चलाई भी जाएगी उन लोगों के लिए कोई और, तो उसका नाम एटलीस्ट स्टडी इन इंडिया तो नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टडींग इन इंडिया. ओके, सो स्टडी इन इंडिया बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिससे कि हम अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को, जो हमारे पूरी दुनिया के फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं फॉर स्टडींग इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज. हमारे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए हम फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. उसी की वजह से यह स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया. राइट, सो गाइज आई होप आपको जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है. एंड नाउ अगर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमें, वो भी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स में काउंट किए जा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग है उसमें इजाफा आएगा. आर द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ आर इंस्टीट्यूशंस विल इंक्रीज, विल एनहांस. ओके, इसके अलावा जो हमारे, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे देश में आएंगे तो हम उनके लिए ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे बेटर, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी इंप्रूव होगी. ओके, अदर देन दिस जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंबैलेंस है ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो रिड्यूस होगा. इसके अलावा जो इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो भी इंक्रीज होंगे. एंड इस तरीके से फॉरेन स्टूडेंट्स के आने की वजह से जो कल्चरल एनहांसमेंट भी होगा हमारा, क्योंकि हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम उन्हें अपना कल्चर प्रोवाइड कराएंगे सो दैट हमारा कल्चर भी पूरे दुनिया में फैले. ओके, so these are some objectives of the scheme. So let us first read out the objective then. So to target foreign students in Indian universities, yes, to double India's market share of global education exports from less than 1% to 2%. Okay, to boost the number of inbound international students in India and to improve the overall quality of higher education, increase in global ranking of India as a global destination, and to reduce the export import balance in the number of international students. Okay, so these are some objectives and the objectives जो है हमारे पूरे के पूरे नाम में से clear है and I hope आपको objectives clear है. And guys if we talk about the ministry now, so ministry की बात अगर हम कर ले, so ministry is pretty much clear. Ministry is what? Ministry of HRD, जो कि अब क्या बन चुका है, Ministry of Education. And this ministry is headed by Mr. Ramesh Pokhariyal Nishank. This handsome is Mr. Ramesh Pokhariyal Nishank. His Lok Sabha constituency is हरिद्वार. हरिद्वार इज इन उत्तराखंड. ओके, एंड इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द फी वेवर, देयर इज आल्सो वन फी वेवर. एक प्रोविजन है इसमें फी वेवर का. तो फी वेवर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत आसान है याद रखना, आप इसको लॉजिकली आराम से याद रख सकते हैं. देखो क्या है फी वेवर में, 100% फी वेवर होगा फॉर द टॉप 25% स्टूडेंट्स, 50% होगा फॉर द नेक्स्ट 25% स्टूडेंट, 25% फॉर द नेक्स्ट 25, एंड जो लास्ट के 25% होंगे उनके लिए कोई भी फी वेवर नहीं होगा. सो दिस इज वेरी गाइज इजी टू रिमेंबर. इसको कैसे याद रख सकते हो आप, पहले 25% को कितना मिलेगा, 100%. ओके, उसके बाद अगले जो 25% होंगे उसको कितना मिलेगा, 100% का आधा. ओके, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 25% होंगे दे विल गेट हाफ ऑफ 50, यानी कि 25% स्कॉलरशिप. एंड जो रिमेनिंग 25% होंगे देयर इज नो स्कॉलरशिप फॉर देम. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. आपको क्या करना है, जितने अगर मान लो कि इन टोटल 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया स्कॉलरशिप एग्जाम. ओके, सो हमने क्या, इसके जो टॉप 25% स्टूडेंट्स होंगे उनको कितना मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप. नेक्स्ट 25% को कितना मिलेगा, 50%.
उसके अगले 25% को 25% और आखिरी के 25% को कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज गाइज वेरी इजी टू रिमेंबर, यू कैन इजिली रिमेंबर दिस. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप एग्जाम, जो वो स्कॉलरशिप एग्जाम है उसका भी एक नाम है, हम सबने पढ़ा था ये, पहले भी पढ़ चुके हम. सो जो इस एग्जाम का नाम है, उस एग्जाम का आपको नाम याद रखना है इनसैट एग्जाम, और ये भी बहुत लॉजिकली नाम याद रखा जा सकता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है. सो इनसैट इज द एग्जाम जो कि स्कॉलरशिप एग्जाम होगा फॉर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. ओके, सो इनसैट की गाइज एक फुल फॉर्म भी है, इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट, इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट इज द फुल फॉर्म, एंड दिस इज द स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कराया जाएगा टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप. ओके, सो गाइज दीज आर द थिंग दैट यू कैन लर्न एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के आपको ये याद रह जाएगा, आपको दोबारा से अगर कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द लॉन्च ईयर, आपको लॉन्च ईयर जरूर पता होना चाहिए. लॉन्च ईयर इसका क्या है, 2019. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द टारगेट, सो टारगेट भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो अगर हम टारगेट की बात करें, सो इट विल टारगेट स्टूडेंट्स फ्रॉम 30+ कंट्रीज अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. तो साउथ ईस्ट एशिया से, मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से, इन तीन जगहों से 30+ कंट्रीज को टारगेट किया गया है अंडर दिस स्कीम. एंड दिस प्रोग्राम हैज एन एम्बिशन टू अट्रैक्ट अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2022. 2022 तक इस स्कीम का टारगेट है कि लगभग 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, 2 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स को वो ट्रैक करें ताकि वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ाई कर सके. ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, सो यू हैव टू रिमेंबर द एक्सपेंडिचर ऑल्सो. सो गाइज 2018 और 2019-20 यानी 2 सालों के लिए जो इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट था, दैट वॉज सैंक्शन एज ₹150 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए थे. एंड जो बजट 2020-21 था, इन द बजट 2020-21 अ टोटल ऑफ ₹65 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया. और जो ये पहले 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, ये किस लिए किए गए थे, फॉर द ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज. ओके, ये किसके लिए किए गए थे, ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए. और ये कब किए गए थे, 2018-19 और 2019-20 के लिए. और बजट 2020-21 में इसमें 65 करोड़ का आउटले प्रोवाइड कराया गया था ताकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड फाइनली द नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो है अराउंड 10-15% सुपर न्यूमररी सीट्स, 10-15% सुपर न्यूमररी सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली. अब ये जो सीट्स हैं ये केवल फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला. ओके, सो दिस प्रोग्राम टारगेट्स फॉरेन स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड टू 10-15% सुपर न्यूमररी सीट्स रिजर्व एज पर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, सो दैट इट वुड नॉट हैव एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स और एडमिशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स. जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के ऊपर, उनके सीट्स के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, एंड नाउ गाइज दैट वॉज अबाउट द स्कीम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो आई होप आपको स्कीम क्लियर है, एंड अगर आपको कोई स्कीम में प्रॉब्लम है देन आप डाउट में जरूर पूछें. एंड अभी थोड़ा सा पीरियड गाइज मैं समझ सकता हूँ ऐसा चल रहा है, बिकॉज आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा, बिकॉज नो एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स आसपास नहीं हो रहे हैं, बट डोंट वरी, इसको एक चांस की तरह लो. देखो दो तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, जो कि इसको एक चांस की तरह लेंगे और दूसरे वो होंगे जो इस पूरे समय को बर्बाद करेंगे. ओके, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 10 स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे होंगे तो उसमें से 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जो कि इस टाइम का बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे. और ये जो 3-4 स्टूडेंट्स है इनका एग्जाम में पास होना 100% हो चुका है. और जो बाकी 6 स्टूडेंट्स है जो कि नोटिफिकेशन का और एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, गाइज दे विल सफर अलॉट. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है घर पर बैठ के, इसको मौका समझो. इतना ज्यादा घर पर आप कभी भी नहीं बैठे होंगे, अगर आप वर्किंग हो तो भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. एज पर द रीसेंट बजट स्पीच 2020-21 अ न्यू एग्जामिनेशन वाज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, व्हाट इज दैट.
सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द एग्जाम. सो अभी अभी हमने समझा था दैट द नेम ऑफ द एग्जाम इज व्हाट गाइज, इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट. सो द रिफोर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए इंडसैट. इंडसैट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज अबाउट अगेन दिस स्कीम. सो इफ इन एन एग्जाम would have been, if an exam would have been held to provide scholarship under the Study in India program and a student rank 30th out of 100 student, एक student है जिसके top उसकी 30th rank आई out of the total number of students जो कि कितना है 100. So how much percent scholarship would he avail, उसको कितना scholarship मिलेगा. The question is clear, total कितने students है 100 है और जो वो हमारा particular student है उसकी rank इतनी है 30th रैंक है, तो हमें ये बताना है कि उसको कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा. सो गाइस हमने सीखा था चार पार्ट्स में बटे हुआ है स्कॉलरशिप, 25%, 25%, 25% और 25%. जो टॉप 25% है उनको कितना मिलेगा 100%, जो नेक्स्ट 25% है उनको कितना मिलेगा 50%, द नेक्स्ट 25% विल गेट 25% स्कॉलरशिप एंड द रिमेनिंग 25% विल नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप. ओके, सो ये जो 30th रैंक है आउट ऑफ 100 ये कौन सी कैटेगरी में आएगा गाइस, इस वाली कैटेगरी में. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए 50% वेवर ऑफ ट्यूशन फीस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वुड द स्कीम हैव एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स और एडमिशंस ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स. सो नो, देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट ऑन द एडमिशंस ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स. व्हाई, बिकॉज the seats that will be given to the foreign students are only reserved for them. ठीक है, these seats are known as supernumerary seats. So the correct answer will be guys what? No, only supernumerary seats would be filled that are reserved for the foreign students. Okay. And now question number 4. So question number 4 is, Ministry of HRD has launched this program which aims at attracting foreign students to the country. It will target students from 30 plus countries across Southeast Asia, Middle East and Africa. So the question is, this scheme is launched with a bundle of objectives except, ये बहुत सारे objectives के साथ launch हुआ था, तो इनमें से क्या इसका objective नहीं है. So improvement in overall quality of higher education, yes, this is one of the objective. Increase in global ranking of India as educational destination, yes. To increase the export-import balance, no. This is not one of the objectives. जो export import imbalance है हमें foreign students का, international students का, उसको हमें क्या करना है, decrease करना है, increase नहीं करना है. So this will be your correct answer guys, option C. And now the last question for today. India is home to around 70,000 foreign students and this program has an ambition of increasing it to 2 lakh by the year 2022. 2022 तक कितना पहुंचाना है हमें, 2 लाख, जो कि अभी कितना है 70,000. So the students of which continent or region of the world are not targeted under this program. अभी देखो गाइस, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में टारगेट किया जाएगा, बट अभी जो है स्टार्टिंग फेज में इसके कुछ कॉन्टिनेंट्स को टारगेट किया गया है. और वो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, अफ्रीका है, नॉर्थ एशिया है, साउथ एशिया है, मिडिल एशिया है. ओके, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वन ऑफ देम. सो द करेक्ट आंसर गाइज विल बी वॉट, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया. ओके Okay guys, so that's it for the session today. I hope you like it. And for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसा लगा? Please comment करके जरूर बताओ. और guys, comment जरूर कर दिया करो यार, आप लोग comment नहीं करते बिल्कुल भी. और comment से ही motivation आती है, आपको पता है अच्छे से. And for more sessions like this, do buy our paid courses of RBI, SEBI, NABARD, UGC. And मिलते हैं next session में. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.